शुरुआत हो रही है, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कैसे शुरुआत हो रही है। हमारा पुलिस बप्पा पिछले 6 साल से मुंबई में आते हैं, मेरे घर पे आते हैं और वो हमेशा हर अलग अलग सब्जेक्ट पे लोगों में अवेयरनेस करते हैं। हमने इसके पहले साइबर क्राइम पे किया हुआ है, चोरी कैसे हुई थी उसके ऊपर किया हुआ है, ट्रैफिक रूल्स के ऊपर किया हुआ है। इस बार हम ड्रग्स के ऊपर लेके आए, जवान बच्चे लड़के ड्रग्स के आदि ज़्यादा जा रहे हैं, इसके लिए हमने इस बार ड्रग्स के अवेयरनेस के लिए हमने गाना बनाया, उसमें शिव जी, अनिल जी, अनिल कपूर जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी और बिग बॉस के एक एक्टर्स और कृष्णा जी, ऐसे 10-11 एक्टर लोगों ने हमारा साथ दिया हुआ है और इनकी वजह से हमारा एक अच्छा गाना तैयार हुआ है जो हम अभी थोड़े दिन में रिलीज़ करने वाले हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान शिव जी का सर का भी है। तो इसके बारे में बहुत नोबल कॉज है, कैसे आपने सोचा, कैसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, टिप्स पे रिलीज हो रहा है गाना? पुलिस बप्पा में जो सॉन्ग और जो कॉन्सेप्ट था, तो मैंने हमेशा देखा है कि हम पिक्चरों में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर देखते हैं, तो मेरे लिए अभी जो रियलिटी वाले सिंगर है वो ये है, क्योंकि इनके इन्होंने अपने ड्यूटी के साथ साथ जो अवेयरनेस की है नशा मुक्ति, और वो एक मैसेज एक सॉन्ग के थ्रू, मतलब मुझे लगता है कि बप्पा है और पुलिस ऑफिसर है, इसके साथ साथ और कोई अच्छा फंडा नहीं हो सकता है लोगों तक पहुंचाने का मैसेज अवेयरनेस। और इन डायरेक्टर को भी मैं बहुत सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन में जितने आर्टिस्ट हैं इन्होंने मैनेज किए, 10-10 मिनट 20-20 मिनट इनको दिया, बॉलीवुड के बहुत सारे अनिल कपूर सर थे जैसे सर ने बोला, तो मुझे लगता है कि अच्छे इंटेंशन से कोई भी काम करो तो वो सक्सेसफुल ही होता है। और मेन है कि इनका इंटेंशन, और इतना जॉब करने के बावजूद इनको वो अलग से टाइम निकालना है, एफर्ट्स लेना है, तो सच्ची में सल्यूट सर, और मुंबई पुलिस को भी सल्यूट कि इतना क्लीन रखने के लिए। हम कुछ कुछ चीज़ें सुनते हैं बट ये अच्छी चीज़ें भी फोकस करनी चाहिए, और इसके लिए मैं अकेला ही नहीं, सब लोग एक ही फ़ोन में हाँ बोल दिए, क्योंकि अच्छे इंटेंशन और अच्छी चीज़ों के लिए कभी कोई पीछे नहीं हटता है, बॉलीवुड हो या फिर मुंबई पुलिस हो। तो पुलिस बप्पा सुपर डुपर हिट है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही वैसा है, अच्छे इंटेंशन से शुरू किया और हम सब लोग साथ में से। तो बिल्कुल अभी मैं वही बोल रहा हूँ कि टिप्स म्यूज़िक बाकी इतने सॉन्ग करते होंगे, ये सॉन्ग कुछ अलग है क्योंकि इसका जैसे बोला मैंने इंटेंशन अलग है, ये लोगों तक पहुँचेगा तो एक अवेयरनेस आ जाएगा, और ये जब टिप्स के साथ साथ जो बाकी सॉन्ग आएगा ये सॉन्ग कुछ अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो सच्चे में टिप्स के लिए भी थैंक यू। देखिए क्या होता है, नशा मुक्ति ये बोलना बहुत आसान होता है, बट जो नशा करता है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ये ऑलवेज डाउन होती है, और उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ है या जो भी है, जो भी फैमिली में से है, उनके ऊपर एक अलग सा एक दौर गुजरता है। और हमारे बप्पा के माध्यम से हम यही पहुंचाना चाहते हैं कि आप नशा एक तो करिए मत, और अगर नशा करिए तो बप्पा की भक्ति अगर करेंगे तो आपका नशा ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप नशा कर ले, देखिए क्या होता है, आपके दिमाग में जब नशा होता है ना तो आपको कुछ सोचता नहीं है, आपके माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके माइंड को एक बार डाइवर्ट कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका नशा छूट जाएगा। आप चाहे बप्पा है या चाहे कोई भी रिलीजन के, उस गॉड को अगर प्रे करते हैं या अगर नेचर को भी मानते हैं तो यू विल गेट दैट पॉजिटिविटी और आप एक नशा छोड़ देंगे। और जिस तरीके से ये गाना शिव ने या अनिल सर ने या हमारे सारे प्रिंस नरूला है या MC है या कृष्णा अभिषेक है या जितने भी हमारे इस गाने के स्टार्स हैं ना, सबका यही इंटेंशन है कि हमारे समाज से ये चीज़ निकल जाए, ये नशा मुक्त हो जाए। जो हमारे माननीय जो मोदी जी हैं, अमित शाह सर जो है, उन्होंने वो जो एक कैंपेन हाथ में लिया है, उसी कैंपेन में हम जो बोलते हैं ना कि राम के सेतु में खार का वाटा, तो वो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम इस गाने के माध्यम से देना चाहते हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा मैंने बोला कि हमने गाना रिकॉर्डिंग करने का चालू किया, लेकिन हमारे एक्टर को हम ढूंढ ही रहे थे, और जिस दिन हमारा शूटिंग है उस दिन मैं अनिल कपूर जी के घर गया शूटिंग के दिन, और मैंने उस टाइम रिक्वेस्ट किया तो वो एक घंटे के अंदर आ गए। तो एक बात है कि शिव जी से मैंने कॉन्टैक्ट किया, वो अमरावती में गाँव में थे लेकिन रात को 11:30 बजे आ गए। तो ऐसा, लेकिन सब सबका इंटरेस्ट यही था कि देश नशा मुक्त होना चाहिए, इसके लिए होता। और जैसा अनु मलिक जी है, जब हम गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा गाना कि जैसा कि मैंने लिखा है गाना, लेकिन इतना मुझे आता नहीं था, तो उन्होंने उधर देखते देखते 2 लाइन चेंज कर दी तो उत्तर। तो इस टाइप से सबने योगदान दिया, इसके लिए गाना बनाए। तो सब जवानों को, सब लड़कों को मैं ये करूँगा, विनती करूँगा कि हमारे बप्पा की सुनो और जल्दी जल्दी नशा मुक्त हो जाओ। थैंक यू। मेरे लिए चौथा एक्सपीरियंस है वैसे गाना बनाने का, लेकिन मैं इसमें ये देखता हूँ कि मैं जब ये जॉब पे कुर्सी पे बैठा हूँ
तो मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है, तो उसको खाली पुलिस एक्शन लेके ही नहीं कर सकते, तो लोगों में अगर हम अवेयरनेस लाएंगे तो ये होएगा ही नहीं, तो उससे अच्छा लोगों की प्रॉपर्टी बच सकती है, लोग नशे से बच सकते हैं, लोगों की चोरी नहीं हो सकती, इस सब सोच से मैं ये कुछ इंटेंशन से करता हूँ। पूरी मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस सब एक्साइटेड रहती, पुलिस बापा इस साइड क्या लेके आने वाला है, मेरा बापा अभी तो अग्रवाल तक पहुँच चुके हैं, वहाँ से हमको मैसेज आते हैं, तो ये बापा का संदेश है, अपनी मुंबई नगरी है जो बापा को बहुत मानती है, पूरा देश बापा को मानता है, तो सब लोगों ने हमारे बापा की सुनो और नशा से मुक्त हो। थैंक यू। मुझे लगता है मैं जुड़ा ही इसीलिए हूँ कि जो यंगस्टर है अभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वो सोशल मीडिया के इन्होंने भी यूज़ किया है, तो वही बोल रहा हूँ कि मुंबई पुलिस इतना स्मार्ट और अलग अलग वे से लोगों को अवेयरनेस देना चाहता है, तो ये सच्ची में बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को भी सीखना चाहिए उनके काम के अलावा। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने मेन जो टॉपिक था कि नशा मुक्ति, तो मुझे लगता है कि नशा करो, अपने सपनों का करो, अपने आई बापा का करो, और ये इसके लिए बापा अपने साथ है, आप सिर्फ एक इंटेंशन अंदर ला लो कि मुझे छोड़ना है तो सब हो सकता है, और इसके लिए एफर्ट्स खुद मुंबई पुलिस कर रहे हैं सर, 4 साल से कर रहे हैं, अलग अलग वे से, और हम लोग सब वही कर रहे हैं कि यार मैं अभी खुद भी मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। जब गांधी जी ने कहा था कि पहले खुद वो चीज़ करो तब जाके मैसेज दो, तो मैं चाहता हूँ कि सपनों का नशा करो, नाई बाबा का नशा करो, तो ज़्यादा मज़ा। थैंक यू। थैंक यू।